1700 के अंत में और 1800 की शुरुआत में दुनिया भर में कई लिखे जाने वाले डिवाइस बनाए जा चुके थे और इसी के बाद सन 1868 में क्रिस्टोफर सोल्स ने पहला ABCD टाइपराइटर बनाया। क्रिस्टोफर सोल्स ने अन्य देशों से तकरीबन 60 साल बाद टाइपराइटर बनाया था। इसके बावजूद भी पहला टाइपराइटर का खिताब क्रिस्टोफर को जाता है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्रिस्टोफर समझ गए थे कि लोग अपनी टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं जिससे टाइपराइटर की जल्दी बाहर आ जाती है और इसका एकमात्र कारण था ABCD फॉर्मेट। फिर क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने अपने ABCD फॉर्मेट पर सुधार किया और नया क्वेरिटी टाइपराइटर 1870 में बनाया जिससे इस टाइपराइटर को पहला टाइपराइटर का खिताब मिल गया।